जी हाँ, मंथ में 300 रुपया है और 300 रुपये में स्पेशल एडुकेशन, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, ये सब इंक्लूड है। मतलब 10 रुपया में आप इतने सर्विस पा रहे हैं। गार्डन रिच इंस्टीट्यूट फॉर द रिहेबिलेशन एंड रिसर्च सेंटर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस इंस्टीट्यूट का एक ही मकसद है, हमारे समाज में हैंडीकैप्ड और माजूर बच्चे अपनी जिंदगी से प्यार करें, पाँव से माजूर बच्चे भी अपने पाँव पर दौड़ सकें, और इस इंस्टीट्यूट में ऐसा देखा भी जाता है। गार्डन रिच इंस्टीट्यूट फॉर द रिहेबिलेशन एंड रिसर्च और हॉप फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से 2 रोज़ा आई चेकअप कैंप का अहतमाम किया गया, जहां डॉक्टर्स जांच के बाद फ्री चश्मा और फ्री ऑपरेशन भी करवाया गया। इस कैंप से हजारों ज़रूरतमंद फैजयाब हुए। आइए सुनते हैं गार्डन रिच इंस्टीट्यूट फॉर द रिहेबिलेशन एंड रिसर्च के फाउंडर नाजिम खान ने क्या कुछ कहा। आई चेकअप कैंप गार्डन रिच रिहेबिलेशन सेंटर और होप फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से। गार्डन रिच रिहेबिलेशन करीब 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा है और इसी तरह का काम करता है। जैसे लॉकडाउन में उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर टैब डिस्ट्रीब्यूशन किया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, फिर अभी डेंटल कैंप हो रहा था। तो ये सारे काम देखकर होप फाउंडेशन ने हम लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया कि ये लोग काम कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 तारीख को कैंप किया था, तो 4 तारीख में हम लोग 280 पेशेंट हम लोगों ने देखा था। आज 300 का टारगेट है, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा होंगे क्योंकि बहुत काफ़ी भीड़ है। और इस कैंप में चश्मा फ्री दिया जा रहा है, जो जिनको कैटरेक है उनको फ्री में सर्जरी की जाएगी, मेडिसिन फ्री मिल रहा है। तो ये सब चीज़ देख के लोग, और खासकर जो हम लोग अब तक जितना काम है, तो काम को देख के लोगों को हम लोग ऊपर फेथ है कि अब तक काफ़ी लोगों को हम लोगों ने अच्छा किया है, चाहे वो कैटरेक सर्जरी हो या बच्चों का ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, ये करके बच्चे अच्छे से चलने लगे हैं। तो ये सब चीज़ को कम्युनिटी हम लोगों को फेथ करती है। तो ये सर्जरी कहाँ पे हो रहा है, ये ऑपरेशन वगैरह के लिए? होप फाउंडेशन हॉस्पिटल में होगी। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये तारातल्ला में है, तारातल्ला में जस्ट अपोजिट, ये क्या कहते हैं, डीएवी स्कूल है, इसको अपोजिट में है। कि यहाँ पे दिगर अदारे जो है वो आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, ये क्या आपके कामों को देखते हुए या वो लोग खुद अपने आप को हाईलाइट करवाना चाहते हैं? नहीं, वो हमारे काम को देख के ही हमारे साथ जुड़ते हैं। हाईलाइट ऐसे कोई करता है, ठीक है ना? तो हमारे काम को देख के ही आप हमेशा देखेंगे कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये हमारा मेन सेक्टर मेरा डिसेबिलिटी है, लेकिन जब लोग हमारे पास आते हैं कि आई सर्जरी के लिए हमारे, क्योंकि आँख में प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, इसका के लिए कोई डॉक्टर आते हैं कि नहीं, या फिर दांत में प्रॉब्लम है, आप कहीं नहीं देखे होंगे कि दांत का कोई कैंप होता है, लेकिन गार्डन रिच इंस्टीट्यूट ने दांत का भी कैंप करवाया है। लोग यहाँ से डेंटल जाते थे, काफ़ी परेशान होते करते थे, तो हम लोग के पास आके बोलते थे गार्जियन, तो हम लोगों ने फिर एक डेंटल कैंप स्टार्ट किया। तब मंथ में 2 बार यहाँ पे डेंटल कैंप भी होता है, जो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, दांत साफ करना, दांत उखाड़ना और उसको मेडिसिन देना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। यहाँ पे महिलाओं से जब मैं बात कर रही तो काफी खुश थी, वो कह रही है कि हर वीक इस तरह का कैंप होना चाहिए, क्योंकि दिगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाइन में ही हम लोगों को परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है फंड के ऊपर और कोलैबोरेशन के ऊपर। तो अगर हमारे पास कहीं से कुछ ऐसा रिसोर्सेस हुआ तो हम लोग 100% करेंगे, और हम लोग ये हमेशा कोशिश में रहते हैं कि कम्युनिटी के हर एक नीड को जरूरत के मुताबिक पूरा किया जाए। यहाँ पे डिसेबल बच्चे को भी देखा जा रहा है, चूँकि आप इसका इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हुए हैं, उनके घर के गार्जियंस भी कह रहे हैं। क्या आप लोगों का मोटिव क्या है डिसेबल बच्चों के लिए? डिसेबल बच्चे को घर के लोग समझते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, या कम्युनिटी के लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको ये दिखाना है कि ये भी कर सकते हैं, ये आपसे और हमसे कम नहीं है, ठीक है? तो इनको भी ये पढ़ने का मौका दिया जाए। जिस घर में बच्चे डिसेबल होते हैं उसके गार्जियन उनको छोड़ देते हैं कि नहीं ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इनको